दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 28 मई 2021 है। हमारा आज का अरे ये क्या बीच बीच में गाना चल पड़ा। चलो थोड़ा आप भी सुन लो, मैं भी इनसे एनर्जी लेता हूँ। अरे यार इसको बंद करो, गाने के चक्कर में वीडियो भी रह जाएगा। तो हम अपना पहले वीडियो बना लेते हैं। मैं अपनी ये डंडी ले लेता हूँ। आज दिनांक 28 मई 2021, आज का संभाषण 27 लिखा हुआ था इसमें। सुबह कोई 4:30 होंगे। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आप लोगों के प्रश्न हो गए कि पता नहीं ईश्वर इसके सामने खड़ा होता कि नहीं होता, या वैसे ही गप्पेबाजी करता है। दोस्तों देखो, वह विराट पुरुष इस अनंत ब्रह्मांड में हर जगह खड़ा है, और बस वही खड़ा है, वही बैठा हुआ है, वही चल रहा है। ये सारा मूवमेंट उसी का है। अब आप और हम उसको समझते हैं कि नहीं समझते, वो एक अलग बात है। उसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, लेकिन है तो ऐसा ही। मैं कुछ इसमें गलत नहीं कह रहा। आज जो मुझे अच्छा, अब वो सब के समझ में क्यों नहीं आता। देखिए उसकी भाषा, जैसे हम कहते हैं कि मुझे भगवान ने आज ये कहा ये कहा, तो देखिए उसकी भाषा वाइब्रेशनल भाषा है। बोलता है कैसे बोलता है, एक नंबर हम बता रहे हैं भाई। देखो उसकी भाषा वाइब्रेशनल लैंग्वेज है, वह यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको उसको समझना पड़ेगा, लेकिन वह दुनिया की सभी भाषाओं में चेंज होकर आपको सुनती भी है। अब ये आप पर निर्भर करते हैं कि आप उसको कैसे सुनते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष सामने भी खड़ा होकर आकर बोलता है, उसकी वाइब्रेशनल भाषा भी है, वह आपकी भाषा में बोलता है। यह आप पर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे लेते हैं। बीबीसी डिस्कवरी से कोई
ट्रांसमिशन हो रहा है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको अपने टीवी में किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। तो ये सही है, वह मेरे सामने खड़ा खड़ा बोल रहा है कि भाई मंगल आज तो ये बोलो। देखो फिर मैं भूल गया कि इसके सुनने में, इस वाइब्रेशन लैंग्वेज को सुनने में गलती भी रह जाती हैं, इसलिए ये मत कहना ये ईश्वरीय प्रसारण जो हम बोलते हैं कि ऐसा होगा, इसमें कुछ गलत भी हो जाता है क्योंकि हम उस लैंग्वेज को पूरा समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उस परमात्मा के स्तर के नहीं होते। जैसे कि आप समझ सकते हो कि भाई ये गीता है या कोई बड़ा दूसरा ग्रंथ है, वह समझ में तभी आएगा जबकि आप उसके लेवलिंग के हों, उसके स्तर के हों। आप भी उन्हीं वाइब्रेशंस में जीते हैं जिसमें वाइब्रेशन में उस आदमी ने, उस महापुरुष ने वो ग्रंथ लिखा है। इसलिए ईश्वर की पूरी भाषा एग्जैक्टली तो आपके हमारे समझ में आ ही नहीं सकती। कुछ कुछ हम उससे ले लेते हैं, हम फिर बोलते हैं कि भाई भगवान ने मुझसे आज कहा। चलो दो मिनट तो गाने में निकल गए और क्यों निकल गए, आज हम आज की देववाणी शुरू करते हैं जो उसने बोला है। देखो आज का उसने हेडिंग दिया, ये दूसरा नंबर समझ लो। अभी ये किस बारे में है? ये अभी शुरू होने वाला आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विप्लव, ये बवंडर सा जो आ रहा है, जो चल रहा है, ये इसके बारे में ही ज़्यादातर लोग चिंतित हैं, बात करते हैं कि शुरू होने वाला आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विप्लव, आग का बवंडर, आग का तूफान। मैंने पूछा भाई भगवान तुमने क्यों चला रखा है, लोग बहुत परेशान हैं। उसने कहा मंगल ये देखो तुम जानते ही हो कि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों का सुधार बिना समस्याओं के, कठिनाइयों के हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भगवान मैं जानता हूँ, तीसरे नंबर देखिए यह क्यों आ रहा है, यह क्यों आ रहा है। जिंदगी में जो भी आपके सामने कठिन समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती हैं, विप्लव आती हैं, उनके लगभग ये कारण होते हैं। सुनिए, हमारी नासमझी, हमारी स्वार्थपरता, प्रकृति, जीव और कमज़ोरों के प्रति की गई हमारी क्रूरता और डिवाइन प्लानिंग। देखिए हम जब चीज़ को नहीं समझ पाते तो भाई उसमें दिक्कत आएंगी ही। हम नहीं समझें कि सांप है कि रस्सी है, किसी को कुछ समझकर हम पकड़ेंगे तो हम तकलीफ में होंगे, हमारे स्वार्थपरता और दूसरे भी अवगुण। हम भगवान ने इस संसार में भेजे, देखो पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी पृथ्वियाँ हैं, इस हमारी पृथ्वी को देख लो, यहाँ पर कितने जीव हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, सभी को अपनी अपनी जूनी में भेजा है, कितने कीड़े मकोड़े, कीट पतंग और पशु पक्षी और ये सब, जिसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान ने हमको बना दिया। हमारे सामने सारा ज्ञान विज्ञान उसने खोल दिया, सारे की सारे मेवा मिष्ठान, सारी चीज़ें अपने इस मानव पुत्र के सामने उसने रखी हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को मार मार कर उनका भुर्ता बनाकर खा जाते हैं। मान लिया कभी जब आदमी जंगलों में रहता था, जंगली जीवन जीता था, उसके भरण पोषण का उचित इंतजाम नहीं था तो वह जीव जीवन से भोजनम में विश्वास करता था और करना भी चाहिए था, लेकिन अभी भी वह कितना स्वार्थी है, कितना ना समझे, कितना अंधा है, वह प्रकृति के साथ, जीवों के साथ कैसी क्रूरता करता है और कमज़ोरों के साथ, छोटे भाइयों के साथ कैसी क्रूरता करता है। जैसे कि भारत में ये जो ढांचा बना, भयानक ढांचा, ये किन भयानक क्रूर सिद्धांतों के आधार पर बना, भाई अब इसका तो इलाज होगा।
इसके अलावा मान लो आप क्रूर भी नहीं है, ना समझ नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है, तो भी दुनिया में कुछ डिवाइन प्लानिंग काम करती है। आप एक तो सब कुछ अच्छे हो नहीं सकते, मान लो अच्छे हैं तो भी लॉ ऑफ चेंज के अनुसार चेंज आएंगे, उसमें डिवाइन प्लानिंग काम करेगी एंड इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरी बॉडी। आपको उसी डर्रे में नहीं चलने दिया जाएगा, ये भगवान का नियम है। चाहे आप कितने भी अच्छे हों लेकिन फिर भी चेंज करके आपकी प्रोग्रेस के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इट इज हिज लॉ, हिज रूल। भारत में ये तूफान सभी जगह आ रहे हैं, भारत में जो ज़्यादा आ रहे हैं उन सब का एक ही कारण है, एक ही कारण तो नहीं उनका ज़्यादातर कारण है, समाज का अपने छोटे भाइयों पर किया गया क्रूरता। इन लोगों का सबके साथ, इनका फिर सबके साथ, इनका फिर इनके साथ, और इन गरीब लोग 30% लोगों के साथ, इस सबका। इसमें जो 10% के लगभग अछूत लोग हैं, 10% के लगभग खानाबदोश हैं, 10% के लगभग कोई जंगलों में रहने वाले हैं, इनके साथ जो हजारों साल से अन्याय अत्याचार किया गया है, यह सारा बवंडर उसी का परिणाम है ज़्यादातर तो। और भी है देखो, जीवों के प्रति उनको काट कर खाना, और वो एक वो भी है, डिवाइन प्लानिंग भी है, और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो भारत में कारण यह है। जब तक यह नहीं मिट जाता, यह भारत का विप्लव मिट ही नहीं सकता। यह हमारा हुआ क्यों आ रहा है संक्षेप में, हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी 12 मिनट का वीडियो हो गया। तो भाई अब ये तीन नंबर हो गया, 4 और 5 नंबर ले लें, क्या घटित होगा देखिए, और किन किन को नुकसान होगा और कितना होगा। 4 नंबर क्या क्या घटित होगा, किन किन को नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा, और असल में वह नुकसान नहीं होगा लेकिन लोगों को लगेगा कि ये नुकसान हो गया भाई। भगवान जो कर रहा है अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए कर रहा है, अब भाई उसको करने का रास्ता एक विप्लव से होकर जाता है तो जाता है। लोग इसको अपने स्वार्थपरता के लिए कर रहे हैं, कुमरान अपने स्वार्थपरता के लिए कर रहे हैं कि गठरी बांध कर भागना है जो भाग लो, लेकिन भगवान फिर भी अच्छे अच्छे के लिए कर रहा है क्योंकि इससे वो कोई अद्भुत चीज इस सब विप्लव से निकलेगी। गंदगियां नष्ट होकर सोना कुंदन बन जाएगा, समुद्र मंथन होकर अमृत निकलेगा। तो भाई क्या घटित होगा, किन किन को नुकसान होगा, तो सुन लो इसमें 2-3 बातें। इसलिए किसानों के आंदोलन का रिजल्ट नहीं निकल रहा और निकलेगा भी नहीं, जब तक कि मैं अभी बताऊंगा कब तक, हमारे 3 किसानी बाल बिल वापस लो और हम चले। ये बताता है कि भाई लोगों तुम बड़े ना समझो, ये ज़्यादातर प्रदर्शनकारी किसान बड़े किसान हैं, किसी के पास 50 बीघा, किसी के पास 100 बीघा, किसी के पास 1000 बीघा, ये कोई छोटे किसान और आर्टिजन्स हैं लगभग कोई 35-30%, ये और भी बेचारे SC ST और आदिवासी लोग हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। भगवान ने कहा है जो मैंने अभी कहा है कि देखो वो खड़ा खड़ा कह रहा है कि मैं इस विप्लव को तभी शांत करूंगा, मंगल लोगों को बता दो कि जब इनके लिए भी, इनके लिए नहीं सबके लिए एक न्याय व्यवस्था होगी, इंतजाम होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये कर दो, सैकड़ों 500 सालों से एंजॉय करते हुए बड़े किसान और ये उच्च वर्ग तो अपना एंजॉय कर ही रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।
इस सबके लिए त्राण मिलेगा, मैं इस आग के तूफान को तभी बंद करूंगा। मैंने कही भाई बोल देता हूं, कितनी ही कोशिश कर लें बड़े किसान प्रदर्शन करते हुए रिजल्ट तो तभी निकलेगा। यही देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है, इसको सुनते रहिए और ऐसा ही होगा। और क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है, यह हम उसमें बताएंगे। और फिर देखिए, और क्यों आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है कि अपर जो 10-15% वाले लोगों ने जो हुक्मरान रहे हैं, कर्णधार रहे हैं, जन सत्ता शक्ति सबके मालिक रहे हैं, ये औरों के लिए अच्छा अच्छा इसलिए नहीं होता कि सब यही हैं तो इनके विचारों के अनुसार प्रोग्राम ऐसे ही बनते हैं, धन का खर्च ऐसे ही होता है, जो ज़्यादातर इनके स्वार्थ साधता है, औरों के नहीं साधता। इसलिए क्या क्या घटित होगा, इनको अभी न्याय नहीं मिलेगा और बुरा मत मानना, या तो भगवान की वाणी सुन लो जो सबके लिए है अच्छी अच्छी है, या फिर कह देना कि मंगल हमसे ऐसा मत बोलो, यह जब तक चलेगा, ये जब तक के तो हम अभी अभी आते हैं, इसमें हमने पहले ही बोला है कि अपर वर्ग को बड़ा नुकसान होगा, वह नुकसान बहुत होगा। क्यों होगा, कब तक होगा, ये हम आपको बताते हैं। अभी जब तक इस वर्ग के ये समझ में नहीं आएगा कि सबकी भलाई में हमारी भलाई है, हमारी नहीं, तब तक ये विप्लव नहीं रुकेगा। और यदि ये नहीं रुकने का ऐसे कोशिश नहीं किया तो ये सब समाज और देश ऐसे जल जाएगा, और उसमें सबसे पहले यह वर्ग जलेगा, यह वर्ग बर्बाद होगा। देख लो भाई, देखो भगवान ने मुझे आज ऐसा ही कहा है, ये हमने थोड़ा बताया 4 और 5 नंबर के लिए कि क्या घटित होगा, किस किस को नुकसान होगा, सभी को नुकसान होगा ज्यादा विप्लव चला तो। और अब देखिए, अब भाई यह कब तक चलेगा, 6 नंबर देखो भाई, ये जब तक चलेगा कि जब तक कि ये लोगों की समझ में नहीं आए कि ये क्यों हो रहा है, जैसा भगवान अभी बताया कि ये तो इसलिए हो रहा है, जीवों के प्रति क्रूरता, ना समझी, स्वार्थ प्रति, और अपने इंडिया में 30% लोगों के साथ ही अन्याय, अत्याचार, और इसमें डिवाइन प्लानिंग का भी हिस्सा है, बहुत सी चीज़ें। ये जब तक चलेगा जब तक कि लोगों की बात समझ में नहीं आती, ये जब तक चलेगा, 6 नंबर बोल रहे हैं, कब तक चलेगा, जब तक कि इस लोग देववाणी को सुन नहीं लेते, यह जो बोली जा रही है या इस तरह के अपने हृदय में बैठा नहीं लेते, ये जब तक चलेगा जब तक इसमें डिवाइन प्लानिंग का भी समावेश नहीं हो जाएगा, ये जब तक चलेगा जब तक कि भारत से जाति प्रथा लगभग समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि भारत में जाति प्रथा सब बीमारियों का की जड़ है, यह डिसिमिलिटीज, यह एनोमलीज, यह असमानता लाती है, असमानता का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है, उसी का नाम क्रूरता है, ये सारा विप्लव उसी को दूर करने के लिए हो रहा है। भाई जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं जाती, इसको और डिटेल में सुन लीजिए, इन लोगों के साथ जो 10-15% अनटचेबल्स हैं, जो 10-15% खाना बदोश हैं, जो 10-15% जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाई हैं, उनके साथ सिर्फ जाति को सुन करके ही जो होता है भाई, वह उसको अलोट में ज़्यादा नहीं कहूँगा किसी का दिल दुखाने के लिए, इनके लिए क्या अलोट है, भूख, प्यास, असमानता, जलालत,
सब कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि यहाँ यहाँ किसी के साथ जलालत हुई है तो वह जलालत यहाँ भी होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला ये कहता है कि ये जीरो प्लस माइनस से बना है। कभी ज्वार आया तो फिर भाटा भी आएगा, आजकल ऐसा चल रहा है तो इसका उल्टा भी ऐसा चलेगा, या फिर होमोजेनस ऐसे बनेगा। अच्छा तो भाई ये जाति प्रथा तो नहीं मिटने वाली, क्योंकि जाति प्रथा कुछ लोगों को ये अधिकार देती है, ये प्रिविलेज देती है कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए, इसमें इसमें हम फायदे में रहते हैं। यह जाति प्रथा मिटेगी, कब मिटेगी? जब एक तो इनके समझ में आएगा, ये समझ में कब आएगा? ये समझ में तब आएगा जब ये बड़े बड़े लोग चोट खाएंगे। भाई चोट कब खाएंगे? भाई देखो जैसे बड़े किसान चोट खा रहे हैं, ऐसे ही ये लोग भी चोट खाएंगे। अभी चोट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, उसके बाद जब इस विप्लव में, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विप्लव में जब पता चलेगा, ये भूख को जन्म देगा, ये अराजकता को जन्म देगा, ये हाहाकार को जन्म देगा, जब उथल पुथल होगी, एक दूसरे को लोग मारेंगे, तब इनके साथ जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होगा। सुन लो, भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा, चाहे किसी को बुरा ही नहीं क्यों नहीं लगे। जैसे जाति के नाम पर औरों के, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, वही अलग प्रश्न है डिस्कशन का, ऐसे ही जब जाति के नाम पर एक दिन इनके साथ भी अन्याय अत्याचार होगा, अरे ये कौन है? ये फलाना है। भाई ये तो वह है जिसके पास धन, संता, संपत्ति, जिन्होंने उस भयानक सिद्धांत के आधार पर इकट्ठी कर ली। अरे भाई ये कौन है? ये वो है, ये वो है, ये वो है। भाई इसको छोड़ो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ो। भारत में ऐसी हालत हो जाएंगी, होकर रहेंगी। भाई मैं क्या करूं, परमात्मा कह रहा है, मैंने जैसा सुना है। और जब ये वर्ग के ये समझ में आएगा, भाई हम तो लुटते पिटते इसलिए लुट पिट रहे हैं कि हमारी जाति देखकर हमको लूटा पीटा जा रहा है, तब ये कहेंगे कि अरे भाई इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। तब देश में जाति प्रथा मिटेगी, जाति प्रथा मिटेगी, समझ लो कि डिसिमिलिटीज मिटेंगी, एनोमलीज मिटेंगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, असमानता मिटेगा। ऐसा फिर नहीं होगा कि इन 20-30% लोगों के साथ 90-80% बलात्कार हों। ये भारत मिटाना चाहेगा, चाहे पूरे देश को उसको जलाना ही क्यों नहीं पड़े। और ये जलने की नौबत आ रही है, ये कर्णधार बेचारे बच्चे लोग हैं, ये जानते नहीं क्या करने, क्या होगा इसका अंजाम, और अपने लोगों को फंसा फंसू कर दिए, तो भाग जाएंगे। और भागेंगे जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए संक्षेप में आज इतना ही कि देखो जब तक ये समानता नहीं लाते, जाति प्रथा नहीं लाते, जाति प्रथा को नहीं मिटा देते, और वो कैसे मिटेगी? व्हेन दे विल बी हिट, जब ये भी हिट होंगे और जाति प्रथा के आधार पर होंगे, अरे ये वो है, तब इस देश में जाति प्रथा मिटेगी, जो समानता आएगा, जब इस देश में स्वर्ण युग आएगा, ऐसा ही होगा। वह अभी समय 2-4 साल मैं आने वाला है, ऐसा ही होगा। किसी को बुरा लगे तो लग जाए। ये बड़े लोग, किसान लोग कहते हैं हमको हमारा दे दो, दुनिया का सिस्टम इतना सीधा नहीं है, हमको तो हमारा दे दो, हम जाएं। अरे ये सब सारा एक ही पेट परिवार है, एक ही शरीर है, एक भारत ही नहीं, सारा समस्त ब्रह्मांड एक शरीर है। जब इस दुनिया को चलाने वाला वो ब्रह्म कोई इडियट नहीं है, वह हिसाब से चलाता है। लाखों करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, आगे भी चलेगी, उसका हिसाब है। आप और हमारी चले तो हम तो लोगों की जाने कब की चटनी बना बना कर खा जाते। जंगल में निरीह जीवों को बड़े जीव रहने नहीं देते। इसलिए दोस्तों ऐसा ही होने वाला है जैसा मैंने कहा है। इसलिए आज मैंने बताया, जैसा ईश्वर ने बताया कि ईश्वर बोलता है, कैसे बोलता है, वाइब्रेशन लैंग्वेज। अब भयानक ये विप्लव क्यों आ रहा है, अवश्य आ रहा है, ये बताया क्यों आ रहा है, क्या घटित होगा,
किन किन को ज़्यादा नुकसान होगा वो भी नुकसान समझा जाएगा। और ये जो और ये मैं एक नंबर और भूल गया, इसमें 7 नंबर ये तो देख लीजिए, कभी मैं इसको बंद नहीं करूँ, निपटने की तैयारी कैसे करें। अरे भाई देश दुनिया के साथ तो होगा जो होगा, कलेक्टिव ड्यूटीज का तो होगा होगा, अपनी तो बचाव करो व्यक्तिगत रूप से। इसके लिए लोगों सबसे पहले प्रभु स्मरण करें, कॉन्स्टेंट रिमेंबर्स ऑफ डिवाइन। वेजिटेरियन पूरे बने, चाहे पहले से आप नॉन वेजिटेरियन रहे हो, ध्यान प्रार्थना अवश्य करें, परोपकार अवश्य करें। 10% डोनेट करने वाले बने सरदारों की तरह से, दान और ये करें। हो सकता है तो अपने आगे आने वाले 1-2 भयानक सालों के लिए आप कोई दूसरा ठिकाना भी रखें, अपना विलेज आधार भी रखें। कभी कभी विलेज में रहना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ होंगे, इसलिए यह कहा है कि अल्टरनेटिव रखें। और इसमें जो सारी चीज़ें इसमें ही बताई गई हैं कि जो हमारे डिवाइन रूल्स हैं, वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, महान भारत, ये ऐसे ही नहीं है, इनके अनुसार काम करें, डिवाइन रूल्स को अप्लाई करें, गोल्डन रूल है इसमें उसको अप्लाई करें। ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% 50% प्लस 20% इज इक्वल टू 11, यही आएगा और यही ये बताता है कि सबके 90% झगड़ों की जड़ तो यह है, इसका अप्लाई नहीं होना है, ये अप्लाई होगा। टू बी वेजिटेरियन, टू बी 10% डोनर, सत्कर्म, ध्यान, प्रार्थना, प्रभुस्मरण, ऐसा ही होगा। परमात्मा ने मुझे बताया, उसकी जो वाइब्रेशन लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, और वह लैंग्वेज भी नहीं, मेरी रिसर्चों से, मेरे तपस्या समझ लो कुछ भी, उससे निकला है। और 138 करोड़ लोगों की भलाई के लिए, उनके लिए मैंने देखा है कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। भयानक चलेगा तो चलेगा, चलना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सेटअप करेगा कि सबको होगा। क्या करें, जो करें, जो बोए हैं उनका फल तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए सबको समझ जाना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।